हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? किसी ऐसे परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध संयोजित हो, तो उसको किसी ऐसे परिपथ से चेंज कर लेते हैं जिसमें एक वोल्टेज VTH तथा उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध थेवेनिन प्रतिरोध RTH जुड़ा हो। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने स्टेप लिखे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि रिमूव RL। यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि RL को रिमूव कर देना है। फर्स्ट स्टेप में रिमूव RL। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? फाइंड VTH अक्रॉस RL। इसके अक्रॉस हमें क्या करना है? VTH को फाइंड करना है। तो जो इसके अक्रॉस VTH, जो इसके अक्रॉस VTH होगा, वही इसके अक्रॉस भी VTH होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का मान क्या होता है? सेम होता है। थर्ड स्टेप क्या है कि रिमूव वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड RTH। हमको क्या करना है? वोल्टेज सोर्स है जो ए है, इसको क्या करना है? रिमूव करना है। यानी कि हम VTH, जो वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। इसको ऐसे हम रिमूव कर देंगे, ऐसे रिमूव कर देंगे। और हमें क्या करना है? फाइंड RTH, और हमें RTH फाइंड कर लेना। फोर्थ पॉइंट है कि कनेक्ट VTH एंड RTH। अब हमको क्या करना है? VTH और RTH को इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, VTH के श्रेणी क्रम में हमें RTH को। फिफ्थ पॉइंट है कि कनेक्ट लोड रेजिस्टेंस। अब हमको क्या करना है? लोड रेजिस्टेंस। जब हम लोड रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो हम यहाँ से IL की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो, IL बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये तो है थेवेनिन थ्योरम। ये जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। अब इन्हीं बेस पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये 5 ओम और 12 ओम, और ये लोड रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? RL को रिमूव RL, RL को हमने कर दिया रिमूव। बारह वोल्ट और 1 ओम और ये 5 ओम और 12। जब हम RL को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और अब हम क्या निकालेंगे? फाइंड VTH। VTH निकालने के लिए अगर हमें पूरा करंट मिल जाए तभी तो हम इसके क्रॉस निकाल लेंगे। अगर हम इसमें फ्लो होने वाली करंट मिल जाए तो करंट के लिए हम अगर टोटल करंट निकालेंगे, I बराबर, अब यहाँ पर देखो 1 ओम, 5 ओम और 12 ओम क्या है? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 12 बटे 1, 5, 1, 6 और 12, 6, 18, यानी कि 6 दुनी 12 और 6 तीन 18, 2/3। यहाँ से क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। जब इस ब्रांच में यहाँ से जो करंट आएगी वो इसमें फ्लो होगी, तो इसमें जो वोल्टेज है वही क्या है? VTH है। तो VTH बराबर V बराबर IR, 12 गुणे 2/3, 3 × 12, यानी कि 8 वोल्ट क्या है हमारा? VTH है। अब हमने VTH निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है? RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है। जब हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ए और बी, 1 ओम है, 5 ओम और 12 ओम। 5 और 1 6 ओम जो और 12 ओम, यहाँ पर ये 6 ओम और ये इधर 12 ओम, पैरेलल में दोनों हो जाएंगे ए और बी। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? RTH। तो RTH बराबर 6 × 12/18, 6 × 3 = 18 और 3 × 12। तो RTH हमारा कितना निकला? RTH 4 ओम। हमने VTH निकाल लिया, RTH निकाल लिया, अब हम इसे क्या करेंगे? सर्किट में चेंज करेंगे। VTH 8 वोल्ट और RTH कितना था? 4 ओम।
और लोड रेजिस्टेंस कितना है 15, VTH 8 वोल्ट, RTH 4 ओम। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, IL की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको तीन ही चीज़ें निकालनी होती हैं, RTH, VTH और IL। IL के लिए हम क्या करेंगे, VTH अपान 8, 4 प्लस 15 तो 8/19, ये हमारा क्या हो जाएगा IL। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।